जब तक हम लोग का अधिकार मिल नहीं जाएगा 20 सीट फुलफिल नहीं होगा, कहेंगे नहीं। अगर आयोग नहीं माना तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तू तो यही चाह रहा है, 8 साल अपने से लटकाया, बाद बाकी हाईकोर्ट लटकाएगा जी। लेकिन जाएंगे अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहीं आते रहेंगे। 8 साल में इनको योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, बिहार का लड़का इतना, या तो बिहार के अभ्यर्थियों के काबिलियत ये समझ नहीं पाए, या फिर इनके पास काबिलियत नहीं थी, यही साबित वो करना चाह रहा है। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अनशन होगा, अनशन इसके बाद अनशन होगा, ठीक है। बहुत हम लोग बर्दाश्त किया है, अन्याय हो रहा है, सीट खाली रहते हम लोग को बाहर किया गया है, अब अनशन किया जाएगा, ठीक है। और अनशन से नहीं मानेगी तो कोर्ट तक आदमी जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा। तो यही चाह रहा है, 8 साल तक लटकाया है ऐसे, अब कोर्ट में लटकाइए। लटकेगा अब हम लोग क्या करें, जान बच के कर रहा है। हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि आप 13,120 पदों को भर दीजिए, हम और कुछ नहीं करें सही तरीके से, ये नहीं कि धांधली करके। और 1778 अभ्यर्थी जो है, सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए, इनको फिजिकल का मौका दीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट निकालिए। और जिन लोगों ने टाइपिंग पास किया है उनके साथ भी आप न्याय कीजिए, मेंस का मार्क्स जारी कीजिए। छात्र नेता दिलीप यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, और प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ आप बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 8 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना तो झेल रहे हैं, क्या हो गया? हम लोग 8 वर्ष से 2014 में बहाली आई थी और 2022 जाके इसकी पूरा किया है, और 13,120 सीट आया था हम लोग का जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या किया गया है कि 11,329 लड़का को लिया गया, जबकि काउंसलिंग में उसके पास 14,410 को बोला था कि हम लोग कॉल किए हैं, लेकिन उसमें लड़का जो पहुंचा था 12,000 के आसपास पहुंचा था, 11,329 लड़का को बुलाया गया है, लेकिन जो 1778 लड़का को छांट दिया है ये बोल करके कि आप क्वालिफाई हैं, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी सब सही है, लेकिन आप जो पोस्ट प्रिफ्रेंस दिए हैं उसके अनुसार आपका नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग एक ही पोस्ट प्रिफ्रेंस तो नहीं दिए थे, हम लोग तो 42 तरह का पोस्ट प्रिफ्रेंस दिए थे, तो किसी ना किसी में तो होना चाहिए हम लोग को, तो इसीलिए हम 42 के लायक नहीं है। 42 में जितने भी है उसे हम लोग सभी फुलफिल किए हैं, फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया है, जितने भी सीट जितने भी पोस्ट है हम लोग सब सारे कॉलम फिलअप किए हैं, और वो सीधे बोल रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट अभ्यर्थी मिला ही नहीं है, जिसके कारण 1778 विद्यार्थी को अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया। किस हिसाब से वो कट ऑफ बनाए हैं कि हम लोग बाहर हो गए हैं, जब सीट खाली रहते हैं हम लोग को बाहर किया जा रहा है, यानी किस हिसाब से कट ऑफ बनाए हैं? सीट खाली है ये है, उस हिसाब से तो कट ऑफ नहीं बनना चाहिए, कट ऑफ तो डाउन करके बनाना चाहिए ना कि सीट फुल किया जाए। आप क्यों हाई पे कट ऑफ बनाए हैं कि सीट खाली रहते हुए स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं? 8 साल की बहाली पूरा करने में जब अभी भी सीटें खाली रह जाएगा, या तो आगे देखिए बिहार भविष्य कहाँ तक जाने वाले हैं। इस पर सर माननी चाहिए BSCC आयोग के माननीय नीतीश कुमार जी को कि ऐसे आयोग को गठन करके इतना माने बर्बाद हम लोग के साथ किया जा रहा है, छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। खाली शर्म करने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, लेकिन शर्म तो करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, जैसे हर आयोग की ये बात है, हर आयोग में ऐसा हो रहा है कि सीटें खाली हो जा रही है और पेपर लीक हो रहा है, रद्द हो रहा है, ऐसे लंबित परीक्षा हो रही है, और लंबित होने के कारण स्टूडेंट लोग को मौका नहीं मिल रहा है ज़्यादातर के तरफ से, तो इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, थोड़ा ही सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार तो होना चाहिए, थोड़ा करे बाकी तो जब आंदोलन हो रहा है तब तक बदल ही रहा। हाँ तो आंदोलन से लगता है, इस बार भी तो गेट तक पहुँच ही गए हैं, ठीक है, आप उन सीटों को कम से कम फुलफिल कर लीजिए, जो आपका 2000 सीट खाली पड़ा हुआ। समझ गए, हम पूछ रहे हैं कि आप तो गेट तक पहुँच ही गए हैं, तो क्या लगता है? तो जब तक गेट हम लोग होगा ना, हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं है ना, जाने वाले नहीं है। अब अनशन होगा, अनशन इसके बाद अनशन होगा, ठीक है। बहुत हम लोग बर्दाश्त किया है, अन्याय हो रहा है, सीट खाली रहते हम लोग को बाहर किया गया है, अब अनशन किया जाएगा, ठीक है। और अनशन से नहीं मानेगी तो कोर्ट तक आदमी जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा। तो यही चाह रहा है, 8 साल तक लटकाया है ऐसे, अब कोर्ट में लटकाइए। लटकेगा अब हम लोग क्या करें, जान बच के कर रहा है। अब तो उम्र भी किसी का नहीं। मेरा जैसे कहना है कि जो मांग है वो आयोग मान लेगी, हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, अनशन करना पड़े हम लोग अनशन करेंगे, लेकिन कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नहीं, पहले हम यहाँ से लेके जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ से नहीं होता है तो नहीं, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ तो मेरा वाजिब हक बनता है। जब इतना ही वाजिब हक है और ये लोग इतना ही समझदार है तो पहले ही कर देता ना। हाँ, अब तक नहीं किया है तो हम कैसे मान लें कि आगे करेगा? ये बात आयोग को सोचनी चाहिए ना, सीट खाली रहते हुए अभ्यर्थी जब उसके पास है 1778 उसके बाद भी नहीं ले रहा है, या तो सेकंड काउंसलिंग बुलाना चाहिए, अगर जहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं पूर रहा है, 8 साल आप प्रक्रिया चला रहे हैं और आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, आप कैसा ना आयोग है बताइए। आपके पास सेंट्रल
का अगर आप सेंटर के अगर आप एसएससी में जाएं तो हर बहाली पे वे क्या करते हैं 100 या 200 सीट बढ़ा देते हैं, और 8 साल के बाद आपके पास 1778 ही सीट आपके पास बचा, इससे ज़्यादा सीट बचा ही नहीं है इनके पास, नहीं तो कम से कम अभी 3000 सीट खाली होगा एकदम। बैकलॉग रखने से फायदा क्या है आयोग? पता नहीं क्या फायदा है, अगर बैकलॉग यही समझ में आता तो 8 साल ये क्यों प्रक्रिया लगाते हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि ना इन्होंने पीटी का कटअप जारी किया है, ना मेंस का कटअप जारी किया है, सबको केवल पास करते गए हैं, एक दिन फाइनल मेरिट लिस्ट से सब 1778 अभ्यर्थी को गैप कर दिया जारी करती है आयोग। मेरिट आने के बाद प्रीलिम्स का कटअप जारी करती है, कहीं सुने हैं कोई भी एग्जाम या कोई भी आयोग में मेरी फाइनल मेरिट आने के बाद पीटी का कट ऑफ जारी करते हुए इस तरह का चयन प्रक्रिया है इनका? जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी लिया गया है, लेकिन मेंस का कट ऑफ अभी जारी नहीं किया कि किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ के तहत लिया गया है। जी पीटी का कट ऑफ दे के मेंस वाले को बरगलाया गया है कि मेंस का आवाज़ नहीं उठाए कट ऑफ के लिए, मेंस का फाइनल रिजल्ट दिया गया तो मेंस का कट ऑफ भी जारी होना चाहिए। टाइपिंग पास सीट खाली है, टाइपिंग पास को फिर बाहर क्यों किया गया मैं आयोग से पूछना चाहता हूं। टाइपिंग पास है फिर भी नहीं दिया गया, नहीं दिया गया और सीट खाली है। वो जो कह रहे होंगे वो टाइप नहीं कर पा रहा होगा। नहीं नहीं वो स्कोर लिस्ट में वो लिखे हैं कि टाइपिंग क्वालिफाई हैं आप, स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है, स्कोर कार्ड लिख के बता दिया, वो खुद स्कोर कार्ड जारी किए हैं टाइपिंग पास का, और फिर भी हम लोग को टाइपिंग पास में नहीं पोस्ट को अलाउट किया। हाय हाय कब तक चलेगा? जब तक हम लोग का अधिकार मिल नहीं जाएगा 20 सीट फुलफिल नहीं होगा, कहेंगे नहीं, अगर आयोग नहीं माना तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तू तो यही चाह रहा है 8 साल अपने से लटकाया, बात बाकी हाईकोर्ट लटकाएगा। जी लेकिन जाएंगे अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट जाएंगे, क्यों कहेंगे हम लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहीं आते रहेंगे। कंफ्यूज नहीं है? कोई कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज की कोई कह रहा है हाईकोर्ट जाएंगे, कोई कह रहा है कि यहीं रहेंगे। नहीं नहीं अब दोनों काम एक साथ करेंगे, यहीं पर रुके रहेंगे जब तक कुछ डिसीजन यहाँ से नहीं मिल जाए। तो आज का आंदोलन आज का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कुछ आश्वासन नहीं मिल जाता है। जैसे 11329 का रिजल्ट दिया है उसमें भी अभी लमसम 1200 लड़का ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा हाँ, क्योंकि दूसरे में चला है, दरोगा में दो वैकेंसी में हुआ है, एनटीपीसी में हुआ है, इसको लग रहा था कि लॉलीपॉप लेके हम ही बैठे, वो सब अभी ज्वाइन नहीं, हमारे लिए इंतजार, सब लॉलीपॉप दिखाना, वो नहीं आएगा जिसको ये जान बूझ के टाइपिंग में दिया है पोस्ट, वो नहीं आएगा। जो एसएम है, गुड्स गार्ड है, कहीं दूसरे जगह, वो राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव का पोस्ट चाह रहा था, उसको ये पोस्ट नहीं मिला, इसलिए वो सब जब वो ऊंचा पोस्ट पे कहीं पे चल ही गया तो नीचे पोस्ट के लिए क्यों आएगा, वो उसका तो सीट खाली रह जाएगा, तो उस सीट को भी इसमें ऐड कर दिया जाए। हम भी बोल रहे हैं कि बीसीसीआई बीएसएससी समझ रहा है कि लॉलीपॉप लेके हम ही बैठे हैं। हां भैया वही सोच रहे हैं, ये बात यही तो लेने आए हैं ना, वही लेके जाएंगे हम लोग जब क्या तक क्या मांग है तीन वोट में हम लोग जितना सीट है सबका फुल किया जाए, बस 1778 को है विद्यार्थी को सबको फिलअप कर दिया जाए, अगर उसके बाद भी आपके पैमाने पर पास हो चुका है उसको ले लीजिए, सीट खाली है तब उसके बाद भी अगर खाली है तो सीट खाली है। हाँ 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 सीट खाली, मान लीजिए हम तो मीडिया वाले हैं, हम तो आपका सुन रहे हैं उसका देख रहे हैं, ना कहे तो ना, लेकिन हम तो यही कहेंगे। सर आप कहाँ बोले? अच्छा इधर बोले। हाँ सीट खाली है, खाली है, खाली है, तब 2000 सीट खाली है, 1200 लड़का भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो लोग उच्च पोस्ट पर हैं। देखिए 13120 सीट है उसमें 11329 को लड़का को लिया है, तो सीट खाली कैसे नहीं है? 8 साल में इनको योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं, बिहार का लड़का इतना या तो बिहार के अभ्यर्थियों के काबिलियत ये समझ नहीं पाए, या फिर इनके पास काबिलियत नहीं थी, यही साबित वो करना चाह रहे हैं, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। बीएसएससी का कारनामा है? हाँ कारनामा साफ कारनामा है, हमको जैसा हमको लग रहा है पहला कोर्ट हलफनामा में दिया 12000 वेट कर रहा है वो जॉब के लिए, फिर अपॉइंटमेंट के लिए कर रहा है, फिर दो महीना के बाद फिर वही कोर्ट में देता है 13000 आएगा, ये आखिर 1000 डिफरेंस हुआ है, ये कैसे हुआ ये हम लोग नहीं समझ में आ रहा है। पैसे तुरंत घट जाता, तुरंत बढ़ जाएगा, बोलेगा गलती से हो गया मिस्टेक, और उसके बाद इतना लड़का और आने वाला है। अभी जैसे आयोग के विज्ञापन में निकला था 13120 सीट, जबकि काउंसिलिंग करवा लेने के बाद आयोग बोल रहा है कि मेरे पास 13086 सीट ही है, घटिए गया 8 साल में और बढ़ना चाहिए। तो जो विज्ञापन निकाला था उसके आधार पर भी बहाली नहीं हो रही, इनके पास सीटें बढ़नी चाहिए थे वहाँ इनको घट गया, बताइए कैसा आयोग है भाई? कुछ लोग अंदर बाहर आए गए तो घटिए सकता है, बिल्कुल घट सकता है। ये तो हाँ चल रहा है, अब रोएंगे गाय, कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग क्या करेंगे, और वही आप तो सब कुछ कर दिया हम लोग के साथ, सब बर्बाद कर रख दिया।
अब समझ ही ना आ गए न घर के वैसे ही आंदोलन चलेगा चलेगा जब तक अभी बड़ा गलती क्यों नहीं किया हो। आठ साल का ये जो वैकेंसी इससे बड़ा कोई गलती हो ही नहीं सकता है। बात करता हूँ ये बिहार को बेइज्जत किया दूसरा नहीं किया होगा। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए भारत धांधली का आरोप लगा अंदर बाहर होता रहा। 14 के बहाली 22 में क्लियर किया अभी भी पूरा नहीं कर सकते पूरा नहीं हुआ। पीटी का रिजल्ट देते रहा ऐसा भारत का कोई भी एग्जाम देखे जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको बताया जाता हो कि आपका पीटी का नंबर ये है। पीटी नहीं पास की पीटी नहीं पास की है बताइए उसमें बैठ गए हमको तो समझ में नहीं आया। चेक करना चाह रहा था कि मेंस में कितना मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है उसके बाद पीटी का रिजल्ट जारी कर रहा है परसेंटाइल दिया है। देखिए इनका दिमाग देखिए परसेंटाइल बताया मेंस में बताया कि आपका इतना इतने चमत्कार विभाग के ये सब अभ्यर्थी हैं अब तो यहाँ पर प्रदर्शन करना बनता है और जिस अनुपात से वो आए होंगे उसी अनुपात से चेक भी कर रहे होंगे क्या भरोसा आगे ये दे देंगे या ऐसे ही लटकाए रखेंगे। प्रदर्शन तो इधर जारी है ये प्रदर्शन कब तक चलेगा ये अब हम आपको कैसे बता सकते हैं। छात्र नेता हैं वो बताएंगे कि प्रदर्शन कब तक चलेगा। माइकवा हमको भी लगाना है थोड़ा हटिए तो करवा लिया गया फीस का बता रहे हुआ क्या है। हुआ यही है कि इन लोगों ने क्या प्रक्रिया अपनाई है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा है काउंसलिंग में 14,000 कुछ को बुलाया ऊपर से जिनका मार्क्स ज़्यादा है उस समय आपको पद प्राथमिकता देख के बुलाना चाहिए ना पद वाइज बुलाना चाहिए कि किसने क्या प्रायोरिटी दिया उस अनुसार बुलाते। लेकिन इन्होंने मार्क्स सिर्फ देख लिया और ऊपर से 14,000 को बुला लिया कुछ को और उसमें क्या था जिनका मार्क्स ज़्यादा था उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो पंचायत राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी LDC था और उन्हीं लोगों को मौका मिल गया टाइपिंग का फिजिकल का तो वही लोग क्या हुए टाइपिंग में भी क्वालिफाई फिजिकल में भी क्वालिफाई और ये 1778 अभ्यर्थी जो है और जो अभ्यर्थी है उनको फिजिकल में बुलाया ही नहीं गया उनको कहना था हम 5 गुना बुलाए हैं तो बुलाना चाहिए था जिन्होंने पद प्राथमिकता फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में दिया है फिजिकल के लिए या टाइपिंग के लिए। तो यहाँ टाइपिंग पास करके मेरिट से बाहर कर दिया गया फिजिकल में इन लोग को मौका नहीं मिला और जिनको मौका दिया गया टाइपिंग पास फिजिकल पास वो उनका ज्वाइनिंग हो गया मेरिट आ गया पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी तो 650 के लगभग जो है फिजिकल का सीट खाली है और 40 सीट पे मात्र बहाली हुई थी। कौन सी बहाली आपने किया भाई 8 साल में आपने बहाली किया 650 खाली रख दिया और 40 सीट पे बहाली हुआ तो ये तो गड़बड़ चीज़ हो गया। फिर आप अगली बहाली में इसको जोड़िएगा फिर वही बात होगा तो कहीं बहाली पूरा ही नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ इतना हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप 13,120 पदों को भर दीजिए हम और कुछ नहीं कर रहे हैं सही तरीके से ये नहीं कि धांधली करके और 1778 अभ्यर्थी जो है सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए इनको फिजिकल का मौका दीजिए वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट निकालिए और जिन लोगों ने टाइपिंग पास किया है उनके साथ भी आप न्याय कीजिए मेंस का मार्क्स जारी कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको PT में दिखा रहा है क्वालिफाई लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों हम पास नहीं किए PT तो आप कटअप जारी कीजिए सबका मार्क्स मेंस का भी जारी कीजिए तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। कैटेगरी मिसमैच का भी बात है तो उसमें आपने किसी को नहीं दिया फिंगरप्रिंट मिसमैच का बात है तो लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं अगर ये लोग गलत होते तो कोर्ट में नहीं जाते तो BSSC को चाहिए कि अपने स्तर से ये दोबारा जाँच करवा ले फॉरेंसिक से जैसे CGL 2 में करवाया था किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी इसी में है जो मेरिट में आया उनका खुद कहना है कि हमारा 15 बार 16 बार किया गया तब हमारा मैच किया तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके प्रक्रिया में दोष है इनके मशीन में दोष है जो यंत्र रखे होंगे उसमें दोष है तो इनको चाहिए जो हायर चीज़ है उससे आप जाँच करवा लीजिए और कहाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। आज के आंदोलन के बाद अब क्या होगा आगे अगर नहीं मानता है मांगे तो हम लोग उसी प्रकार जो बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन इसके बाद आज शाम तक हम लोग देखते हैं BSSC अगर कुछ की तो ठीक नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ऐसे भी मार दिया गया है इन लोगों को आप दो ही उपाय है ना दो ही उपाय है इन लोगों के साथ या तो हथियार उठा ले नक्सली बन जाए अगर हिंसा मानेंगे तो अगर शांति प्रिय मानेंगे तो अनशन करेंगे भूख हड़ताल करेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करेंगे। तो हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है हम लोग हिंसक नहीं है तो हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे आगे भी आंदोलन जारी रहेगा बिल्कुल जारी रहेगा बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए अब ये BSSC के अभ्यर्थी आगे भी आंदोलन करते रहेंगे टाइपिंग पास को टंकणम पट पर अलॉट करो ये अलॉट करने के टाइपिंग पोस्ट खाली पड़ा है फिर भी टाइपिंग पास को बाहर किया गया क्यों बताइए क्यों बताइए कर्मचारी चयन आयोग बताए ये जानते हैं ना हम जानते हैं खाली पोस्ट अलॉटमेंट दीजिए पोस्ट अलॉटमेंट दीजिए क्यों किया गया हिंदी इंग्लिश दोनों पास दिलीप तो कह रहे हैं कि लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब रहेगा
अधिकार नहीं दिया जाए। चलिए हम भी लगातार खबर दिखाते रहेंगे, इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात, अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।